गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है, मतलब मैं फास्टिंग पे ही हूँ अभी, बट ऐसा लग नहीं रहा कि मैं फास्टिंग पे हूँ। पहले जब फास्ट करती थी ना, तो ऐसा लगता था बस जल्दी से सुबह हो जाए और जल्दी से सो जाते थे हम लोग, ताकि सुबह उठ के खाना खाऊँ। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आज पूरे दिन भी फास्ट रख सकती हूँ। चलो, मैं मजबूत हो गई, स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग है ना। तो अभी क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे तो अगर मैं फास्ट नहीं करती थी तो थोड़ा मुझे भूख लगा मिलता, आज तो एकदम ही भूख नहीं लगा। अभी स्लेट पेंसिल की क्रेविंग ज़रूर हो रही है बहुत ज़ोरों की, बट अभी नहीं खाऊंगी, नहा के ही खाऊंगी। ठीक है, नहा रही थी ना, मेरे को नहाते के बीच में निकलना पड़ा, मतलब ठीक है ड्रेस पहन के निकली थी। ये देखो मेरा पार्सल आया है, वही इतना खुश क्यों होती हो पार्सल आता है तो, मतलब नहा लिया, पूरा नहा लिया, बीच में निकली थी, पार्सल एक्सेप्ट कर ली। सर पता है क्यों नहीं धोई हूँ, हेयर वॉश क्यों नहीं की, क्योंकि मैं लगातार दो दिन से हेयर वॉश कर रही थी। कल शिवरात्रि था इसलिए, और परसों मेरे को नीड था, मतलब जरूरी था बाल धोना, तो मैं धो रही थी और कल भी धोती, तो आज नहीं धोंगी वरना बाल झड़ने लगे। को कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत। अब चलो खाना खाने चलते हैं यार। मेरा ऑल टाइम फेवरेट सोयाबीन का सब्जी और आलू का सब्जी, सोयाबीन और आलू का सब्जी पराठा पापड़। मुझे ना प्रैक्टिकल देने जाना था, मैं कल गई नहीं थी तो आज जा रही हूँ, क्योंकि भैया को फिर टाइम नहीं मिला। मैं अकेले भी जा सकती हूँ बट फिर भी भैया के साथ जाने का मन था, तो आज जा रही हूँ। क्योंकि ना मैं ईगो में सच में सिर्फ पेपर भर के आई थी, मुझे पता नहीं कि मैं ईगो में क्या लिखी हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ फेल हूँ। लेकिन देखा हुआ नहीं है ना, मेरे को पता नहीं रखते, आपको तो याद हो नहीं है। वाह, इधर घर तो बहुत अच्छा अच्छा है। पूछो 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 ना, कितने गाइस, मैं प्रैक्टिकल देकर के आ चुकी हूँ और एक घंटा लगा मुझे प्रैक्टिकल देने में। भाई साहब, देना है धोखा देने वाला, और इशारा ऐसा ऐसा देना है जैसे कि छोड़ो रहने दो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, प्रैक्टिकल देकर के मैं आ गई हूँ और अब जा रही हूँ क्रंच वीडियो बनाने के, क्योंकि क्रंच वीडियो कल से अपलोड नहीं हुआ है। कल तो एक की थी, वो परसों का ही था बना हुआ, क्योंकि कल तो फास्टिंग था ना। तो चलो क्रंच वीडियो बनाने। मैं जब आ रही थी ना उधर कॉलेज से, पहले तो हाल देखो, हाल देखो क्या हुआ है।
来，或许我的不安在作怪，你的眼神释怀，一小糊涂像小猫可爱，蛋糕分我一半，晚风拨动你的衣摆，像时间停止下来，你的拥抱只有我知道。What I got from obviously Ajio, not from Meesho, क्योंकि ना मुझे ना सब लोग GC में ना मेरे को Meesho वाली करने लगे थे, तो चलो ना मैं बहुत क्यूट सा टॉप ऑर्डर की हूँ, देखते ही कैसा निकलता है। बस इसलिए मैं Meesho से मंगाती हूँ, बस इसलिए भाई, क्वालिटी Meesho का ही है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा ना कि Ajio से मंगाऊंगी तो थोड़ा अच्छा होगा, बट इट्स नॉट, क्योंकि Meesho में इससे भी कम प्राइस में मिल रहा था, तो फिर भी मैं उसको छोड़ करके गई Ajio के पास। ओके, लेट्स सी मेरे पे कैसा लगता है, बट इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। यू कैन गो फॉर इट फॉर श्योर। यू नो आई लाइक सब्जी एंड चावल मोर देन दाल चावल, मेरे को सब्जी और सोयाबीन का सब्जी होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी सभी सब्जी, लाइक सोयाबीन, आलू, मटर और भी बहुत कुछ, लाइक गोभी, कुछ ज़्यादा सब्जी नहीं हो गया क्या? एक्चुअली ना बॉल ही छोटा है। और फिर मैं चली गई अपने फ्रेंड के घर और वो मेरे को कॉफ़ी दी थी पीने के लिए, स्पेशली मेरे लिए नहीं बनाई थी, बना रही थी तो मैं भी घुस गई थी बीच में, तो मेरे को भी दे दी। बच्चा है कि आंटी मत खाइएगा दिया हुआ, दिक्कत होगा, बोले थे ना पेंसिल कभी कभी खाइएगा, और तो हम ज़्यादा खाने लगे, हमको जानते हैं क्या होता है, एक पैकेट देते हैं ना तो लगता है कि बचा के दस रखेंगे, लेकिन मन नहीं मानता, एक खाए, अरे चलो एक और खाइए, एक खाए, चलो एक खाइए, ऐसे करते हैं। आ ना पगली जी लग रही है। ओके, आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं कुछ खास की नहीं, थोड़ा परेशान थी, कोई नहीं कल से करूँगी, ठीक है? तो आज का क्वेश्चन ये है, देख लो, मैं सोची कि स्किन केयर करते करते ही बता दूँ तो ज़्यादा बोर नहीं लगेगा। उनका क्वेश्चन ये है ना कि मैं जो वीडियोस में क्लिपबोर्ड्स खाई वीडियो बनाते बनाते, तो क्या मुझे डर नहीं लगता दीदी लोग मुझे पागल बोल रही है एंड ऑल दैट, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो सबसे पहली बात कि मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, मेरे वीडियो का पैसा मिल रहा, तो और रही दीदी लोग की बात, तो वो लोग जानबूझ के बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता, उन लोगों को पता था कि वीडियो बन रहा है, तो वो लोग बोली भी थी कि वीडियो ऑन है इसीलिए बोल रहे थे, ताकि लगे ना कि सपोर्ट करते हैं, और इंसान लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरे रोड पे खड़े होकर के स्लेट पेंसिल खा सकती हूँ। यू नो एक ट्रेंड चला था, आप कैसी लड़की हैं कम्मोजी, निहायती बेशरम, बदतमीज, गलीच, वैसे लड़की हूँ मैं, आंसर मिल गया वैसे, तो डर नहीं लगता, डर किस बात का, कोई मुझे जेल भेज देगा क्या, क्या वो मुझे कुछ बोलने आ जाएगा क्या, कुछ डर नहीं भाई। एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आजकल ना, मैं बोल रही हूँ, हर दूसरा इंसान क्लेपॉट से या मिट्टी खा रहा है, हर दूसरा इंसान, मतलब मैं तो बताऊँ, मेरे बिल्डिंग में तीन लोग खाते हैं, मैं, आंटी, एक आंटी है उनकी मम्मी और एक बच्चा, मतलब बच्चा लोग को ये नहीं पता कि हम लोग बनाते हैं, बस उसको खाने का आदत है, उसको छुड़वाया भी जा रहा है, तो या कोई सब लोगों को बनारस में भी खाती हैं, मैं बहुत लोग को देखती हूँ, और मेरे को सामने से बोला गया, सामने से जब मैं क्लिपबोर्ड्स खरीदने गए थे तो अंकल बोले कि ये सब जो तुम लेके जा रही हो ना बहुत लेके जाता है खाने के लिए, मैं बोली क्या, तो बोलता है कि तो तुम किस लिए लेके जा रही हो, मैं बोली कि मेरे को पेंटिंग करना है, और फिर जब खाते हुए देख रहे होते देखो 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 तुम खा रही हो, तो बोले हाँ अंकल खाते हैं, तो बोले कि हाँ बहुत कोई खाता है। सो ओके,
कैसी लड़की है कम्मो जी, एकदम बेशरम। चलो अब थोड़ा स्लेट पेंसिल खा के सो जाते हैं। आई नो यू नो डोरे मे दोस्त मिस्टेक मे बी वंस टॉयस। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू। भाई मुझे तो डर लगने लगा है, ये इंस्टाग्राम वाले क्या कोई चिप विप लगा के रखे हैं क्या कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या, उससे पहले उसे पता चल जा रहा है। दिल टूट रहा है तो पोस्ट ऐसे ऐसे एकदम रिलेटेबल, खुश रह रही हूँ तो उस तरह का। भाई क्या हो रहा है, ये सामने वाले को मैं पता नहीं चलने दे रही हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, बट ये इंस्टाग्राम वाले को पता चल जा रहा है। जबकि ये बात नहीं है कि मैं फीड को वैसे वीडियो को लाइक की हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ की भी नहीं हूँ, जस्ट अगर रील खोलते ही, इंस्टा फीड खोलते ही एकदम रिलेटेबल पोस्ट आ रहा है, एकदम रिलेटेबल। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे,